कई बार आप कुछ गलतियां करते हो मैं दुर्लक्ष्य करते रहता हूं, और दुर्लक्ष्य सिर्फ यही सोच के करते रहता हूं कि ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं, धीरे 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 कम होंगे। आज न कल सुधरेंगे, कल न परसों सुधरेंगे, लेकिन अभी हाल ही में जो स्थिति जानी वो स्थिति गंभीर है। वो गंभीर स्थिति आपको बताना मेरा कर्तव्य है, इसलिए बता रहा हूं। देखिए, हम कोई गाना सुनने के लिए जाते हैं ना, तो एक 10 मिनट गाना सुनते हैं, 10 मिनट तो हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस 10 मिनट के बाद में हमारे में कोई बदलाव नहीं आता, हमारे में कोई चेंज नहीं आता, या कोई वाद्य के वादन का हम कार्यक्रम सुनने के लिए जाते हैं, आधा घंटा वो वादन सुनते हैं तो आधे घंटे तक हमको अच्छा लगता है, लेकिन अपने में कुछ चेंज, अपने में कुछ बदलाव नहीं आता। वैसे ही समाज में कई ध्यान पद्धतियां हैं, रिलैक्सेशन की पद्धतियां हैं, वो अगर हम अवलंब करते हैं तो जितने देर तक करते हैं उतने देर तक अच्छा लगता है, रिलैक्स लगता है, विचार बंद हो जाते हैं, निर्विचारता आ जाती है, लेकिन सब कुछ करके निश्चित पक्का कुछ बदलाव हमारे में नहीं आता, हम जैसे रहते वैसे ही रहते, सिर्फ उतना समय रिलैक्स फील करते। समर्पण ध्यान का ऐसा नहीं है, समर्पण ध्यान में एक संस्कार का संक्रमण है, संस्कार का संक्रमण यानी जो अच्छी बातें, अच्छे गुण शिव बाबा में थे वो अपने माध्यम के रूप में आप तक पहुंचाना चाहते। तो वो गुण आपके अंदर भी विकसित होना चाहिए। अगर हो रहे हैं तो हम कुछ संस्कार ग्रहण कर पाए, अन्यथा नहीं। तो अभी हाल ही में ये जाना कि साधक भी दो प्रकार के हैं, जैसे होते कि नहीं, पहली दूसरी तीसरी चौथी क्लासेस रहते हैं, उसके अंदर भी सेक्शन रहते हैं, ए और बी, ए और बी, ए और बी। वैसे ये समर्पण की क्लास है, इस क्लास में भी दो सेक्शन है, ए और बी। तो आप कौन से क्लास में हो आप आपका पता लगा लो। एक ए क्लास है, उस ए क्लास का स्थिति में परिवर्तन आया है, चेंज आया है, यानी ध्यान करते समय उनको अच्छा लगता है ऐसा नहीं, उनके स्वभाव में चेंज आया है, उनके बर्ताव में चेंज आया है, उनके विचारों में चेंज आया है, उनके रहन सहन में चेंज आया है,
जैसे कोई मांसाहार करते थे तो मांसाहार छूट गया है, कोई शराब पीते थे शराब छूट गई है, कोई झूठ बोलते थे अभी झूठ बोलना बंद हो गया है या कम हो गया है, कोई लोग बार बार बीमार पड़ते थे अब बीमार पड़ना कम हो गया है या बंद हो गया है। पहले खूब अहंकार था अब अहंकार कम हो गया है या समाप्त हो गया है। पहले असमाधान था अब सेटिस्फेक्शन महसूस कर रहे हैं, जीवन में तृप्ति आ गई है, यानी कुछ स्थायी स्वरूप में बदलाव आया हुआ है, स्थायी स्वरूप में चेंज आया हुआ है। दूसरा, इनको ध्यान करने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं है, ये अकेले बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं। सामूहिकता नहीं भी है तो भी अकेले बैठ के ध्यान कर सकते हैं और इनका ध्यान लगता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर गुरु का संस्कार संक्रमित हुआ है। तो जिनके अंदर संस्कार संक्रमित हुआ है उनका दिया जल गया। वो अंधेरी रात में भी अगर जा रहे हैं तो उनका दिया प्रकाशित है, उनके आसपास प्रकाश ही प्रकाश है, उनको अंधेरे का डर भी नहीं है, उनको एक सुरक्षा कवच प्राप्त है उजाले का। ऐसे साधक एक क्लास के अंदर आ रहे हैं। और दूसरा जो बी क्लास है, बी क्लास में वो साधक आ रहे हैं जो साधक तो हैं, जुड़े हुए भी हैं, इनको अच्छी अच्छी अनुभूतियां भी हुई है, इनके जीवन के बहुत सारे कार्य भी हुए हैं, इनको बहुत सारे कार्यों में सफलता भी मिली है, भौतिक उपलब्धियां भी हुई है। उसके बावजूद भी कोई स्थायी बदलाव, कोई अंदरूनी चेंज इनके अंदर कुछ नहीं है। इनका अहंकार पहले भी था आज भी है, असमाधान पहले भी था आज भी है, कल ये चाहिए था आज ये चाहिए, यानी सेटिस्फेक्शन पूर्ण प्राप्त नहीं हुआ है। कारण क्या है? स्थायी बदलाव न होने का कारण क्या है? कोई संस्कार ही संक्रमित नहीं हुआ ना, स्थायी स्वरूप से इनको कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ है। और दूसरा, इस समय का सबसे बड़ा दोष अगर है वो है भ्रम। माने कुछ नहीं हुआ है तो भी उनको लग रहा है हो गया है, यही है हम पहुंच गए। देखो आगे मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो बड़ा गंभीर है, और जैसा जैसा मैं बता रहा हूं वैसा वैसा आप महसूस करो तो आपको उसकी तीव्रता समझ में आएगी। आप कल्पना करो एक खूब घना अंधेरा है, खूब घना, एकदम अंधेरा ही अंधेरा है, उस अंधेरे में आप एक दीपक है। जो दीपक के अंदर बाती है, जो दीपक के अंदर तेल है, ये दीपक जलने की खूब इच्छा कर रहा है, तीव्र इच्छा है जलने की, लेकिन चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। और यह खूब दूर कहीं उसको कोई प्रकाशित दीपक दिखता है, आप महसूस करो जो मैं महसूस कर रहा हूं तो आपको बराबर मालूम पड़ेगा विषय कितना गंभीर है।
उस प्रकाशित दीपक के तरफ यह दीपक जलने के इच्छा से धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और जैसे उस जलते हुए दीपक के पास में आता है तो उसका भ्रम दूर हो जाता है कि यह एक दीपक है। जब पास में आके देखता है तो एक जलता हुआ दीपक रहता है और उसके आसपास हजारों लाखों दिए जल रहे हैं, और लाखों दियों का प्रकाश उसके आसपास है। आंखें चकाचौंध हो जाती है, दिख नहीं रहा है वहां। तो इतने सारे प्रकाश के अंदर, इतने सारे लाइट के अंदर ये दीपक बेचारा धीरे 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 उस प्रकाश देने वाले दीपक के पास जाने की कोशिश करता है। लोग लाइन में लगे रहते, ये भी लाइन में लगता है, इसका भी दीपक लाइन में लगता है। वो लाइन में लग के जो दीपक जलते रहता है उसके ज्योति के साथ एक एक क्षण के लिए इसकी ज्योति स्पर्श हो जाती है। वो स्पर्श हो जाने के बाद में वो आगे चला जाता है, और आगे चले जाने मतलब उसके आसपास भी प्रकाश ही प्रकाश है, और एक भ्रम की स्थिति निर्माण हो जाती है कि मैं भी प्रकाशित हो गया हूं, क्योंकि इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है कि मेरा प्रकाश है कि नहीं मालूम ही नहीं, सबका प्रकाश है, हजारों लाखों दियों का प्रकाश है। इसके भी काम होने लग जाते हैं, इसको भी अनुभूतियां होने लग जाती है, प्रकाश की अनुभूतियां। लेकिन वो प्रकाश इसका ही है जरूरी नहीं, आसपास भी बहुत सारे दिए हैं। लेकिन इस दीपक का भ्रम तब टूटता है जब ये फिर अंधेरे की यात्रा पे निकल पड़ता है, और जब अंधेरे में आता है तो उसको मालूम पड़ता है वो प्रकाश मेरा नहीं था, वो सामूहिकता का था, वो कलेक्टिविटी था, वो अनुभूतियां मेरी नहीं थी, उनके साथ था इसलिए हो रही थी। तो ये बी क्लास के लोगों की ऐसी स्थिति है, आत्म साक्षात्कार हुआ ही नहीं है, दिया जला ही नहीं है, संस्कार घटित ही नहीं हुआ है, और भ्रम पाले हुए हैं कि हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त। ये भ्रम बहुत खतरनाक है, आपके अहंकार को बेकार में बढ़ाएगा, जो नहीं है वो है करके दिखाएगा। और आपको लगेगा कि आपका भी दिया जल गया है, अरे मेरे को तो खूब अच्छी अनुभूति आई। अरे बेवकूफ, वो अनुभूति इसलिए आ रही है क्योंकि तू सामूहिकता में है, तेरे को तेरी औकात देखना है तो अकेले में देख। इसलिए ये अनुभूतियों के भ्रम में मत आओ, ये सामूहिकता का सबसे बड़ा खतरा है जो आज आपको बता रहा हूं। तुम जो नहीं हो वो भी हो, ऐसा भ्रम होने लग जाता है। तुम किससे परीक्षण करते हो अपनी आध्यात्मिक स्थिति का? सिर्फ इसी से परीक्षण करते हो, आपको अनुभूतियां क्या हो रही है? अरे अनुभूतियां सबके साथ में तेरे को भी होगी। इतने सारे लाखों दिए जल रहे हैं तो तेरे ऊपर अंधेरा कैसे रहेगा? सिर्फ तू जलते हुए दियों के बीच में है इसलिए तेरे ऊपर प्रकाश है, वो तेरा प्रकाश नहीं है। रही बात भौतिक कार्यों की, अरे इतने सारे सामूहिकता के अंदर रह रहा है, इतनी बड़ी कलेक्टिविटी में रह रहा है, तो वो भी कार्य होंगे ना। यानी तुम्हारे भौतिक कार्य क्या हो रहे हैं उधर ध्यान मत दो, तुमको अनुभूतियां क्या हो रही उधर ध्यान मत दो, तुम्हारा ध्यान व्यक्तिगत रूप में कितने जल्दी लगता है और अकेले ध्यान कर सकते हो कि नहीं कर सकते, ये तुम्हारा प्रमाण है। मेरे को दिख रहा है कैसेट के भरोसे लंगड़े लूले पैदा हो रहे, कैसेट लगा के ध्यान करेंगे, प्रवचन सुनेंगे। यार 19 साल हो गए प्रवचन सुनते सुनते, कब होगा ये वैसा क्या? देखो तुमको तुम्हारी औकात अगर देखनी है ना तो अकेले बाबाधाम में प्रवेश करके दिखाओ, अकेले किसी के साथ में मत आना, किसकी कुबड़ियां साथ में लेके मत आना। तुम चार लोगों के आओगे तो चार लोगों के स्थिति के कारण तुमको प्रवेश मिल जाएगा। घर से अकेले निकलना और अकेले पहुंचना, अगर पहुंच गए तो स्थिति अच्छी है। क्या होता है, यह सामूहिकता खूब बड़ा धोखा है। इसके अंदर जो हम नहीं है वो भी हम हैं। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना, वैसी स्थिति है। जो हम नहीं है वो भी हम है ऐसा हम मानने लग जाते हैं। बड़े बड़े कार्य हमारे हाथ से होने लग जाते हैं, हमको लगता मैंने किया। तू अकेला करके दिखा ना,
तो ये सामूहिकता का बहुत बड़ा खतरा है, सामूहिकता का बहुत बड़ा भ्रम है। सामूहिकता के लाभ तो आज तक आपको बताते आया, आज धोखा भी बता रहा हूं, खतरा भी बता रहा हूं, सब अच्छा बुरा सब बताना मेरा ड्यूटी है। तो कई दीपक ऐसे हैं जो जले ही नहीं है, लेकिन सामूहिकता के अंदर उनका दोष छुप जाता है, कलेक्टिविटी के अंदर उनको पता भी नहीं चलता। आप कल्पना करो ना, आप एक बुझे हुए दीपक हो और आपके आसपास हजारों लाखों प्रकाशित दीपक है, तो आपको अंधेरा दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि आपके आसपास प्रकाश ही प्रकाश है। वैसे लाखों पवित्र आत्माओं के सानिध्य में जब आप रहते हो तो आप पवित्र नहीं भी हो, मैं बताता हूं कि नहीं? चार घोड़ों की गाड़ी है, आप आलसी घोड़ा हो, आप बदमाश घोड़ा हो, तो बाकी के चारों घोड़े आपको खींच के स्टेशन तो पहुंचा ही देंगे। इसका मतलब आप पहुंचे क्या? नहीं। इसलिए सामूहिकता में कुछ भी प्राप्त किया हो उसको जीरो मार्क है। क्योंकि वो तुम्हारी हैसियत है कि नहीं मालूम नहीं ना। और दूसरा, अगर तुम्हारा दिया जल गया है, तुम्हारा दीपक प्रकाशित हुआ है, तो दीपक जंगल में अंधेरे में भी रहेगा तो उसके आसपास प्रकाश ही प्रकाश रहेगा, अंधेरा उसके आसपास नहीं रहेगा। इस विषय के ऊपर चिंतन करो, मनन करो। मैं 45 दिन बैठा, आप एक दिन एकांत में बैठो और पहले ये देखो कि मेरा दीपक जला है कि नहीं जला है।